जो एक पिक्चर बहुत ब्रॉडकास्ट हुई सागर सर की, और उसपे वो जो मिलने गए थे मिस्टर पीयूष गोयल जी से, जहाँ पे सुनील सर भी थे, तो राहुल सर भी वहीं पर थे उनके साथ, और हमें उनकी मीटिंग हुई। अभी रिसेंटली मैं बात करूँ राहुल सर की, तो इनकी निधि खरे मैडम के साथ एक पॉडकास्ट आया राहुल सर का, मैं उसका लिंक आप सभी तक शेयर करूंगा, जरूर देखिएगा कैसे गवर्नमेंट लेवल पे जाके उन्होंने जो एक पॉडकास्ट किया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत वैल्यूबल नॉलेज उन्होंने वहां पे दी हमें। तो आज कम समय के बीच में, और चैट बॉक्स मैंने ओपन किया है, हम इनवाइट करते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट को मिस्टर राहुल सुधन जी को। सो राहुल सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑलमोस्ट 1,000। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, द वॉइस नॉट ऑडिबल। नो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपने कनेक्ट, नमस्कार प्रतीक और सुनील जी, श्री जी जब भी इनवाइट करते हैं तो मना नहीं कर सकते। इट्स अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग टू ज्वाइन, और 1,000 लोग बोले अभी प्रतीक ने, एंड गुड स्टफ प्रतीक, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को राहुल सुदन मेरा नमस्कार। आज के दिन आपका लास्ट डे है, तो ज्यादा निर्णय लेते हुए कुछ जरूरी चीजों पर डिस्कस करेंगे। प्रतीक, पॉसिबल है इफ यू कैन रन दी प्रेजेंटेशन? या श्योर सर। प्रतीक ने कहा कि सर आज तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मैं छोटे से टाइम पे आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। आज की बात करेंगे तीन चीजों के ऊपर कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या और डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। इसको शुरू करने से पहले कुछ चीजें अपने बारे में बता दूं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में और किस बैकग्राउंड से बात कर रहे हैं। मेरा नाम राहुल है, पेरेंट्स जम्मू कश्मीर से हैं, एंड फैमिली मेरी रेस्टोरेंट बिजनेस में है। क्वालिफिकेशन वाइज आई एम अ बी ए इंग्लिश ऑनर्स, आई एम एन इंजीनियर और एक MBA हूँ, और वाइफ मेरी IT एक्सपर्ट हैं। ये बात मैंने इसलिए बताई आपको कि कई बार लोग डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं कि ये उनका काम नहीं है जो सब कुछ कर लेते हैं, तो मैं सारी एजुकेशन लेने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आया था क्योंकि तो मुझे पता चला था कि इससे बढ़िया करियर कहीं और है नहीं। और MBA भी मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग में ही की थी, और ये सब करने के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट सर, आप वहां से भी नेक्स्ट कर सकते हो, मैंने आपको अथॉरिटी दे दी है। बट आई विल हैव टू, ओके, नो, यू जस्ट हैव टू पुट द नेक्स्ट द कर्सर। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो बीन अ डायरेक्ट सेलर फॉर अबाउट 8 इयर्स, 8 साल पूरी तरह से टॉप परफॉर्मर है डायरेक्ट सेलिंग के बाद। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग करी, मैंने काफी मल्टीनेशनल कंपनीज में और एमवे में और शहनाज हुसैन, जो आप नाम देख सकते हैं, करीबन 100 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के साथ ट्रेनिंग की है B2B में। तो आप इंडिया में जो भी बड़े ब्रांड देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, कैबी, डिलॉयड, इंडिगो एयरलाइंस, इन सभी कंपनीज के साथ मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। उसके बाद जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतना सब कुछ मिल गया, तो उसके बाद मौका मिला कई सारे गवर्नमेंट इवेंट्स में जाने का, और वहां पे जाके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने का कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इस इंडस्ट्री को कहाँ तक लेके जाया जा सकता है, इस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं। इन सभी इवेंट्स से बात करने से, सरकार के साथ बात करने से ये क्लियर होता था कि किस तरीके से हम धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें ये जो इंडस्ट्री है, जो ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, वो सरकार की तरफ बताया जा सके, उसके रूल्स बनाए जा सके। जैसे प्रतीक ने आपको बताया, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में,
फिटसी जो है एक प्लेटफॉर्म है जो सरकार के साथ बात करती है डायरेक्ट सेलिंग के लॉस के लिए, किस तरीके से हम एक बेटर लॉ बना सकें, एक बेटर इन्वायरमेंट बना सकें जिसके अंदर हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, वो ज्यादा ग्रो कर सकें, ज्यादा फ्रीली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। फिटसी ने काफी सारे स्टेट्स में जाके काम किया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लखनऊ, यूपी, असम, वेस्ट बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, और सभी जाके हमने ये बात सरकार के साथ करी कि किस तरीके से हमें डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को सिक्योर करना है। इन दौरान हमने कुछ ब्रांड्स के ऊपर भी काम किया जिनमें हमने काफी सारी चीजें खड़ी करी। ये हमने इसलिए किया क्योंकि इंडस्ट्री में एक परसेप्शन की जरूरत थी, एक छवि की जरूरत थी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इंडस्ट्री बनते जा रहे हैं, हमें काफी सारा काम करना है अपने इमेज और रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसे फ्रॉड कंपनीज हैं जो MLM का, नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेके कुछ भी बात कर लेती हैं। तो हमें उनसे अपने आप को अलग करना था, उन फ्रॉड कंपनियों से अलग करना था, इसलिए हमने ब्रांडिंग के ऊपर भी काम किया। सो डायरेक्ट सेलिंग टुडे एक मैगजीन है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग अकेडमी वर्क करती है गवर्नमेंट के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव एक लीगल कॉन्क्लेव प्लेटफॉर्म है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे वो दिन है जिस दिन सभी डायरेक्ट सेलर्स इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। पीपल बाइट है, ब्लू ऑरेंज एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है, एक पॉडकास्ट आता है जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है डायरेक्ट सेलिंग की, एक डायरेक्ट सेलिंग इनसाइट रिपोर्ट आती है जो एक एनुअल रिपोर्ट है हमारी इंडस्ट्री के बारे में कि कितना बिजनेस हुआ है, कितना आना है, और एक नोटेड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कंप्लायंस की ट्रेनिंग देता है हमारी इंडस्ट्री के लिए। ओके, सो मूविंग अहेड, ये हमारी मैगजीन्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आती है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये जो मैगजीन है करीबन 9 देशों में जाने लगी है, करीबन 100 से भी ज्यादा राइटर्स हैं इंटरनेशनली जो इसमें कोलैबोरेट करते हैं। इसके अलावा ये हमारी एक इनसाइट रिपोर्ट आती है इंडस्ट्री के बारे में कि कौन सा बिजनेस कितना हो रहा है और किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। ये तो कुछ बात थी कि अभी तक हमने क्या किया या मैं क्या करता था, लेट्स सी कि आगे हम ये बिजनेस है क्या। डायरेक्ट सेलिंग हमें करनी क्यों चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब हम बात करते हैं। अब हम जब बिजनेस की बात करते हैं या जॉब की बात करते हैं या पैसे कमाने की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जॉब्स है या बिजनेस है। अगर आज हम जॉब्स की बात करें तो आप एक फिगर देख सकते हैं कि 22 करोड़ लोगों ने जॉब के लिए जब अप्लाई किया तो उसको में सिर्फ 7.25 लोगों को जॉब मिली, और अगर आज हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो करीबन 7 करोड़ लोग हैं जिनको हर साल जॉब नहीं मिल पा रही है, यानी हर साल करीबन 8% लोग जो जॉब कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो अगर आप अपनी मार्केट का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जिनको ये बिजनेस में आना चाहिए, आप सिंपल इस फैक्ट से देख सकते हैं। आज अगर मैं बिजनेस की बात करूं, ये एक और ग्राफ है एम्प्लॉयमेंट का दिखाने का कि कितना ज्यादा स्ट्रगल है इस टाइम पे आज की डेट में जॉब्स को पाने का। एक तो जॉब्स कम है और उस जॉब्स के हिसाब से जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए उसका भी एक स्ट्रगल है। अब जॉब्स के अलावा ऑप्शन आता है बिजनेस का। बिजनेस करने के लिए एक एनवायरनमेंट होता है, एक माहौल होता है, एक पैसा चाहिए होता है, एक फंडिंग चाहिए होती है, एक आइडिया चाहिए होता है और काफी कुछ और चीजें चाहिए होती हैं। अब कोई भी बिजनेस करें इनमें ये सब चीजें लगती हैं। इंडिया आज भी जो पोजीशन है वो करीबन 70 पोजीशन पे आता है उन देशों के मुकाबले जिन देशों में ये कहा गया है कि बिजनेस कैसे करना है। यानी आज अगर बिजनेस शुरू आप करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज भी इंडिया में एक स्ट्रगल है। और एक ये फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए, 1.5 लाख रुपए से कम शुरू किए गए बिजनेसेस में करीबन 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। सो यानी कि अगर हमें बिजनेस शुरू भी करना है तो उसके लिए हमें जो पैसा चाहिए हमें और पैसा चाहिए शुरू करने के लिए। अब ये बात थी कि हमें जॉब और बिजनेसेस में स्ट्रगल है, लेकिन हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए या मैंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चुना, मैं आपको बता सकता हूँ। आप इसको बड़े एक सिंपल शब्द में याद कर सकते हैं, 3P। पहला P होता है जिंदगी का उद्देश्य। हमारा उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, शादी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, एक नई कार हो सकती है, हर एक का एक उद्देश्य अलग है। यानी एक जिंदगी को जीने का एक पर्पस है, हमारा एक उद्देश्य है जिसके लिए हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं।
दूसरा जो पी है वो प्रॉफिट के बारे में बात करता है कि यानी अगर हमने उद्देश्य तो पूरा करना है लेकिन उसको कितनी जल्दी पूरा कर सकते हैं। मैंने 100 रुपए कमाने हैं या मैंने 1 लाख कमाना है लेकिन कितने टाइम में कमाना है, तो मैं अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, क्या मैं रोज एक तरह से लीनियर इनकम करके कमाऊंगा या मैं लेवरेज इनकम करके भी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता हूँ। तीसरा भी पैशन है। अब मुझे अपने सपना तो पूरा करना है, मुझे अपने जिंदगी के जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी करनी है, मुझे अपने अपने उद्देश्य को पूरा करना है, लेकिन अगर उसमें मेरा जुनून शामिल हो जाए, मेरा शौक उसमें इंक्लूड हो जाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाता है। तो ये जो थिंग की मॉडल है ये एक्चुअली वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने या काफी सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। आइए बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। अब फ्यूचर को समझना हो तो बड़ा सिंपल सा शब्द है, आप ये 3G शब्द एक समझ लीजिए, और ये सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये किसी भी बिजनेस में कामयाब होता है। यानी आज आप एक साइकिल से लेकर आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स या ऐसी किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे ना, कपड़े से लेके जूते से लेके, उन सब में ये 3 चीजें लागू होती है। पहली चीज है कि सरकार उस बिजनेस को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर वो बिजनेस सरकार सपोर्ट नहीं करती तो वो कभी ना कभी वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। जैसे कई फ्रॉड कंपनियां जो बाहर से आके कई बार कुछ लुभावने आइडियाज देती हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं, जिसको सरकार कभी ना कभी बंद कर देती है। इसलिए कोई भी बिजनेस हो उसमें सरकार की नीति, उसकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। जैसे आज सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स निकाले 2021 में, और उसके बाद हर स्टेट में उसकी एक कमेटी बनती जा रही है जो उसको मॉनिटर करती है। यानी सरकार हमेशा प्रोग्रेसिवली इस बिजनेस के बारे में काम कर रही है और इस बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। दूसरी चीज बात होती है ग्रोथ। अब सरकार ने तो सपोर्ट कर दिया, बट इस बिजनेस ग्रोथ कितनी है, क्या ये उतनी से मेरा अपना पैशन पर्पस और प्रॉफिट पूरा हो सकता है। तीसरी चीज, सरकार ने सपोर्ट कर दिया, बिजनेस में ग्रोथ भी है, सिखाएगा कौन, कौन करवाएगा, गाइड कौन करेगा, रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा। ये 3 चीजें जरूरी होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ को लेने के लिए। नाउ सरकार इस बिजनेस को क्यों सपोर्ट करती है, इसके 4 मुख्य कारण है। पहली चीज, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जिसे मेक इन इंडिया है। जब हम ऑनलाइन अपनी आईडीज लगाते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, उसके थ्रू हम डिजिटल इंडिया का प्रमोट करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार इसको पुश करते हैं, हम अपना काम खुद क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी खुद क्रिएट कर रहे हैं और अपने लिए खुद बिजनेस देख रहे हैं। चौथी चीज, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, कि आज हमारे यहाँ पे कितनी लेडीज हैं, कितनी फीमेल हैं जो घर बैठे अपना पार्ट टाइम करते हुए इस बिजनेस को कर सकती हैं। आज हम बात करें दूसरे जी के बारे में, तो ग्रोथ एक बात है जो हमें ध्यान रखनी है। हमारी इंडस्ट्री आज की डेट में सिर्फ 2 साल हुए लीगल हुए 2021 में, और उसी में इस बिजनेस के कितने रूप में फर्क आना शुरू हो गया है। आज से 25 साल पहले का जो बिजनेस था और आज के 2 साल के बिजनेस में सेम मौका होने जा रहा है। इतनी ग्रोथ रेट इस बिजनेस में है, यानी आप एक ऐसे करियर चूज कर रहे हैं जिसमें आने वाले टाइम में और बिजनेस बढ़ने की 100% पॉसिबिलिटी है। तीसरा, गाइडेंस है। आपको बिजनेस सिखाएगा कौन, आपकी अपलाइंस हैं, आपकी टीम है, आपके ट्रेनर्स हैं, आपके लीडर्स हैं, आपकी ई ग्रोथ अकेडमी है, सुनील जी हैं, और काफी ऐसे ट्रेनर्स हैं जो आपको रोज सिखाना चाहते हैं बिजनेस करने के लिए। अगर आप किसी और इंडस्ट्री में जाते हैं तो लोग एक्चुअली इतनी मेहनत नहीं करते सिखाने के लिए। हर जगह ये देखा गया है कि आपको अपना बिजनेस खुद ही करना पड़ता है, खुद सीखना पड़ता है। तो 3G याद रखिए कि क्यों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फ्यूचर है इसका, इसका कारण यही है, गवर्नमेंट, ग्रोथ और गाइडेंस। सो 3P कारण याद रखिएगा कि बिजनेस क्यों करना है, और 3G कारण याद रखिएगा इसका फ्यूचर क्यों ब्राइट है। है
दोस्तों, आप इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिससे जब मुझे मिलवाया गया था तो ये बोला गया था कि वो दुनिया का सबसे टफेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है। अब हम लोग सब जानते हैं कि एक खेल कितना मुश्किल हो सकता है, तो मेरे को जब ये बोला गया तो मुझे लगा शायद बॉक्सिंग या दंगल या कुश्ती की बात की गई होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि इतना क्या मुश्किल हो सकता है बिजनेस, या इतना मुश्किल क्या स्पोर्ट हो सकता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है। तो मैंने कहा देखो, सबसे मुश्किल चीज़ तो मुझे पहाड़ पे चढ़ना लगती है, और अगर आप समझें तो सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है, तो यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। तो उन्होंने कहा राहुल, माउंट एवरेस्ट पे भी ना 4000 लोग चढ़ चुके हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा उन्होंने मुझसे पूछा इससे ज्यादा मुश्किल काम क्या हो सकता है। मैंने कहा इससे ज्यादा मुश्किल काम शायद आसमान में जाना है, चांद तारे तोड़ के लाना है। तो उन्होंने कहा वो भी 600 लोग कर चुके हैं। तो जिनसे मैं मिलने गया, जिनसे मुझे मिलवाया गया, वो इन सबसे भी टफ थे। तो मैं मिलने की इच्छा हुई और मैं इनसे मिला। ये एक ऐसी रेस में पार्ट लेते हैं जो पूरे दुनिया में एंड टू एंड ट्रेवल करती है। सिंगल बंदा एक बोट पे बैठता है और वो पूरी वर्ल्ड की रेस करके आते हैं, पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आते हैं, और आज तक 100 से भी ज्यादा लोग इस रेस को पूरी नहीं कर पाए। मैं एलेक्स की बात कर रहा था, एलेक्स थॉमसन की। एलेक्स को मिलना मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा पॉइंट लगा। और मैंने एलेक्स से पूछा कि मैंने कहा एलेक्स, इतना बड़ा काम आप करते कैसे हो? आप अकेले हो 10 महीने 11 महीने के लिए, 4 साल की आपकी प्रिपरेशन होती है और 11 महीने आप रेस करते हो। आपके साथ कोई नहीं होता, कोई साथ नहीं देने वाला है, और फिर आप अकेले करते हो, तो आप करते कैसे हो? एलेक्स का आंसर बड़ा सिंपल था, सिर्फ एक वर्ड। तो उसने मुझसे कहा कि राहुल, अगर आज यहां से जाने के बाद तू एक शब्द याद रख सकता है कि कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, तो सिर्फ वो एक शब्द है, वो है फोकस। आपको अपना रास्ता तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाए। तो उसने मुझे ये डेफिनेशन दी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और आप भी उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो ये चीज जिंदगी में सीखना चाहें कि कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कि आपको फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक आपको अपना रास्ता ना मिले तब तक आपको फोकस रखना है। इस बात से मैं अपना जो सेशन है और आप लोगों ने जो मुझे टाइम दिया है उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और प्रतीक जी, अगर एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क और समथिंग, सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अवर बूट कैंप क्लोजिंग राहुल सर।